संख्या 406। माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में संचालित मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना अंतर्गत वर्तमान में RCTF के माध्यम से 421 रुपए प्रति किलोग्राम दर से दुग्ध पाउडर क्रय किया जा रहा है, जिसका डेरीवार विवरण परिशिष्ट पेपर संलग्न है। वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। किसी अन्य रजिस्टर्ड उपक्रम में RCTF द्वारा प्रस्ताव दरों से कम दरों पर मिल्क पाउडर उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि किशनगंज शाहबाद में पिछले 5 साल में जो कोविड के दौरान जो मिड डे मील और जो दूध के पाउडर जो वितरण किए गए, वो शाहबाद तहसील में किस किस वाहन से कब कब रवाना हुआ और किस किस छात्र को बांटा गया, शाहबाद तहसील के जो गांव है उनकी जांच करने का विचार रखते हैं क्या? ये सही है माननीय अध्यक्ष महोदय, ये मिड डे मील में बहुत सारी गड़बड़ियां हुई है और इन्होंने कोविड काल कोरोना काल के अंतर्गत बताया गया है कि हमने 9 महीने का इकट्ठा मिड डे मील दे दिया है। और जो एक गांव का मैं प्राप्ति रसीद लाया हूँ, उसमें नाम किसका दिया किसका है, जब बच्चों को दिया है तो अंगूठा क्यों लगाए हुए हैं, बच्चों को दिया है तो अंगूठा क्यों लगाए हैं, इससे साफ जाहिर है कि इसमें करोड़ों का घोटाला है। कांग्रेस की सरकार ने मिड डे मील में करोड़ों का घोटाला किया है और बच्चों के मुंह से दूध और मिड डे मील छीना है। इसकी जांच होनी चाहिए, ईडी जांच कर रही है, SCB जांच कर रही है और जरूरत पड़ी तो हम भी जांच करवा सकते हैं और जांच करवा कर जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। यदि कानून हमको अनुमति देगा तो हम भी जांच करवाएंगे। अगला प्रश्न मिड डे मील में एक आदमी लगा हुआ है जो सरकारी कर्मचारी है, उसने भी गड़बड़ किया, उसको निलंबित करता हूँ। श्री मोतीराम, माननीय में अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि पूरे शाहबाद के साथ साथ आप किशनगंज की भी जांच। रामनिवास गावड़िया, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष वहाँ से गया है, उसका कोई इंद्राज भी नहीं है।